हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वोग विद मी। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बिगेस्ट अपैरल ब्रांड की। आप लोग समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नाइकी की। दोस्तों, नाइकी की हिस्ट्री और ये कंपनी कैसे बनी, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिलिप हैम्सन नाइट, को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ नाइकी, जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन से, वहाँ उनको मौका मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात होती है कोच बिल बोवरमैन से। बिल बोवरमैन, जो कि एक कोच होने के साथ साथ बेहतर शूज़ बनाना चाहते थे एथलीट्स के लिए। फिलिप नाइट अपना ग्रेजुएशन करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं MBA करने के लिए, और वहाँ पर वो पेपर प्रपोज करते हैं। फिलिप नाइट का ये मानना था कि रनिंग शूज़ प्रोडक्शन सेंटर जर्मनी से जापान शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है। फिलिप नाइट को अपनी उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जापान जाने का मौका मिलता है, जहाँ पर वो जापानीज़ बिजनेसमैन ओनित्सुकु शोकाई से मिलते हैं। जापानीज़ बिजनेसमैन के साथ वो डील करते हैं कंट्री पॉपुलर टाइगर शूज़ के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए US में। लेकिन पहले टाइगर सैंपल को एक साल से भी ज़्यादा समय चाहिए था शिप होने के लिए। इस बीच में नाइट पोर्टलैंड में एज एन अकाउंटेंट जॉब करने लगते हैं। जब नाइट को पहला सैंपल मिलता है तो वो दो पेयर ऑफ शूज़ बिल बोवरमैन को यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन भेजते हैं। बिल बोवरमैन ना सिर्फ और टाइगर शूज़ ऑर्डर करते हैं, बल्कि फिलिप नाइट को पार्टनरशिप भी ऑफर करते हैं। 25 जनवरी 1964 को दोनों पार्टनरशिप के लिए एग्री करते हैं और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कंपनी स्टार्ट करते हैं। ये शूज़ चीपर तो थे, लेकिन उस टाइम पे जर्मनी बेस्ड कंपनी एडिडास और पूमा मार्केट को डोमिनेट करती थी। 1967 में बोवरमैन एक न्यू शू डिज़ाइन प्रपोज करते हैं टाइगर शू कंपनी को। इस डिज़ाइन का नाम दिया गया था टाइगर कॉर्टेस। 1967 में जब ये डिज़ाइन आया तो बहुत ज़्यादा हिट हो गया, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल, स्टर्डी और स्टाइलिश डिज़ाइन था। लेकिन इसी दौरान ब्लू रिबन और टाइगर कंपनी के रिश्ते ख़राब होने लगे। ब्लू रिबन का ये मानना था कि टाइगर कंपनी कोई और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा है US के लिए। वहीं टाइगर कंपनी ये क्लेम कर रहा था कि ब्लू रिबन टाइगर कॉर्टेस जो डिज़ाइन था उसको एक अलग वर्जन में अपने नाम से बेच रहा है। 1971 में दोनों कंपनीज अलग हो जाती हैं और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स फुली रिब्रांड होता है एज नाइकी। कंपनी के पास लेकिन अभी भी अपना लोगो नहीं था। लोगो के लिए वो अप्रोच करते हैं डिज़ाइन स्टूडेंट कैरोलिन डेविस को। कैरोलिन डेविस एक स्विश डिज़ाइन प्रपोज करते हैं, जिसके लिए उस टाइम पर उन्होंने $35 चार्ज करे थे। 1971 में बोवरमैन वैफल सोल डिज़ाइन करते हैं, जो कि उनको आइडिया ब्रेकफास्ट करते टाइम आया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्वेंशन द आइकॉनिक वैफल ट्रेनर वॉज बॉर्न। द शू वॉज अ मेजर सक्सेस फॉर नाइकी। गाइज, ये तो थी नाइकी की हिस्ट्री। अब बात करते हैं नाइकी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, जब नाइकी की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके पॉपुलर ब्रांड एयर जॉर्डन का नाम आता है। इस ब्रांड का नाम एयर जॉर्डन इसलिए रखा गया था क्योंकि नाइकी उस टाइम एयर सोल्स टेक्नोलॉजी लेकर आया था, और ये शूज़ माइकल जॉर्डन के लिए बनाए गए थे। माइकल जॉर्डन, जो अपनी पहली NBA लीग खेलने जा रहे थे, बेसिकली एक एडिडास फ़ैन थे। माइकल जॉर्डन नाइकी के साथ ये डील साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो नाइकी के साथ डील साइन करें, क्योंकि नाइकी उस टाइम पे $500,000 माइकल जॉर्डन को ऑफ़र कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम के लिए। माइकल जॉर्डन के लिए रेड एंड ब्लैक एयर जॉर्डन शूज़ डिज़ाइन किए गए, लेकिन NBA ने ये शूज़ बैन कर दिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म रूल्स को वॉयलेट कर रहे थे। लेकिन नाइकी बहुत अच्छे से जानता था कि इस बैन को मार्केटिंग कंपेन की तरह यूज़ किया जा सकता है, और उसने वैसा ही किया। नाइकी हर मैच के लिए $5,000 फाइन पे करता था।
जॉर्डन का जंपमैन लोगो बेसिकली माइकल जॉर्डन के मैच खेलते हुए एक फोटो से लिया गया है। दोस्तों, नाइकी ने जब माइकल जॉर्डन के साथ डील साइन करी तो नाइकी $3 मिलियन का बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा था 4 साल में, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि नाइकी ने 126 मिलियन का बिजनेस करा सिर्फ 1 साल में। दोस्तों, नाइकी का स्लोगन जस्ट डू इट बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं नाइकी को इस स्लोगन का आइडिया कहाँ से आया? गैरी गिलमोरे, जो कि एक सीरियल किलर था, जब उसको एग्जीक्यूट करा जा रहा था तो उसने एग्जीक्यूशन टीम से कहा था लेट्स डू इट। नाइकी को अपने स्लोगन का आइडिया गैरी गिलमोरे के लास्ट वर्ड से ही मिला। थैंक यू गाइस वॉचिंग अवर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो।